एंड देर वी गो गाइस, हमारी 50 लेवल हो चुकी है भाई। यहाँ पे मैं बहुत देर से एफके कर रहा हूँ। ये है गाइस एकन 22 का जोम्बी फार्म। तो उन्होंने कुछ दिनों पहले जोम्बी फार्म बनाया था, उनको एक स्पॉनर मिला था यहाँ पे। तो हम लोग अभी थोड़ी देर से ओवरवर्ल्ड में घूम रहे हैं और मैं ट्राई कर रहा था कि मैं थोड़ी सी लेवल्स कलेक्ट कर लूँ। मैंने भाई काफ़ी सारे लेवल्स कलेक्ट कर लिए, एज यू कैन सी 50 लेवल्स। दैट टुक सम टाइम, बट थैंक्स टू दैट हम लोग अब भाई अच्छी तरीके से इंचांट कर पाएंगे। हम लोग काफी सारी चीजें इंचांट कर पाएंगे आज। बिना नेदराइट आर्मर के भाई एपिसोड खत्म नहीं होगा, चिंता मत करो तुम भाई, आज कुछ ना कुछ हमें जरूर मिलेगा। ओ भाई ये चलो बहुत अच्छी हुआ भाई, अभी दिन हो रहा है। चलो तो हम लोग भाई यहाँ पर आए हुए थे। यहाँ पे गड्ढा सा है, उसके अंदर जाके तुम्हें ज़ॉम्बी फार्म मिल जाता है। एंड वी आर बैक एट अवर मेन पोर्टल। तो वैसे अगर तुम्हें देखना है तो देख लेना भाई एकन की वीडियो, वहाँ पे है, ज़्यादा दूर नहीं है भाई एक्चुअली। और यहाँ पे हमने थोड़ी फार्मिंग चालू की थी, यहाँ पे मैंने थोड़ी क्रॉप्स वगैरह लगाए थे और हमें थोड़ा वीट मिला है। एक्चुअली वीट तो इससे काफ़ी ज़्यादा मिला था, पर मैंने लाइक थोड़ा सा ब्रेड बना लिया उससे। और मैंने यहाँ पे थोड़े जानवर पालना गाइस चालू कर दिया है, जैसे कि तुम देख सकते हो। तो इनको मैं और बड़ा कर लेता हूँ जिससे भाई मेरे पास और सारे हो जाएं, क्योंकि अभी बुक्स की एक्चुअली मुझे और ज़्यादा ज़रूरत है। एंड ओके, एक और शीप है क्या हमारे पास? एक और पीछे शीप है। ब्रीड करो बॉयज, ब्रीड करो। नहीं किया क्या इन्होंने? पता नहीं भाई, जो भी है बढ़िया। ओके तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आए हुए थे एक्सपीरियंस कलेक्ट करने के लिए, पर अब हम लोग वापस जा सकते हैं गाइस। भाई मेरे यहाँ डायमंड के टूल्स यार अभी से टूटने लगे हैं भाई। ओ माय गॉड मैन, नेवर माइंड। अब हमें बस एक चीज़ करनी है कि मरना नहीं है भाई, और दैट इज़ नॉट वेरी इजी, एटलीस्ट फॉर मी। मेरे लिए इतना आसान नहीं है भाई। वैसे भी यहाँ पर इतने दिनों से एक घास घूम रही है भाई, दिमाग खराब कर देती है, सीरियसली दिमाग खराब कर देती है यार। कहीं से भी निकल के आ जाती है ब्रो। एंड देर वी गो बॉय, वी आर हियर। यहाँ पे हॉगलिंस ना हो प्लीज अभी। ओ माई गॉड यार, देर आर हॉगलिंस, बट यू नो वट, मी गना डॉजम एंड गेट आउट ऑफ हियर। ओ माई गॉड, ओए बच गया मैं। नाइस। तो गाइस आज के प्लान्स हम लोग देख लेते हैं कि भाई हमें क्या क्या करना है। सबसे पहली बात ऑफ कोर्स हमें इंचांटमेंट करनी है भाई। तो मैंने यहाँ पे शाइनी रखा हुआ है, तो आज हम लोग वैसे इंचांटमेंट रूम बना लेंगे। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा रूम तैयार किया है और इस पैटर्न में मैं इंचांटमेंट टेबल लगाऊंगा। तो यहाँ पे इंचांटमेंट टेबल होगी और यहाँ पे ऐसे बुक शेल्स लगे रहेंगे। एग्जैक्टली कितने बुक शेल्स लगाने हैं वो हमें देखना पड़ेगा 30 लेवल के लिए, बट आई थिंक मेरे पास इनफ बुक शेल्स होने चाहिए। सो वील सी अबाउट दैट। पर हमें अगला करना है विलेज। विलेज बेसिकली कुछ नहीं है, मतलब वो पास में विलेज ब्रीडर लगाया है एकन 22 ने, और वहाँ पे लाइक काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रेड्स मिल रहे हैं हमें, तो वो हम लोग जाके देखेंगे। और हमें भाई ऑफकोर्स नेदराइट ढूंढना ही है, तो ये हमारे आज के प्लान्स हैं। पिछले एपिसोड में मैं नेदराइट बोल रहा था कि हमें मिलना चाहिए, पर एक्चुअली पहले एंशियंट डिब्री ढूंढना पड़ता है, वो सब चीज़ें मेरे को याद नहीं थी क्योंकि मैंने आज तक कलेक्ट नहीं किया है। सो आज हम लोग एंशियंट डिब्री ढूंढेंगे, देखते हैं हमें लाइक कितना चाहिए पड़ेगा एंशियंट डिब्री। 4 एंशियंट डिब्री से एक इनगट बनता है लाइक नेदराइट इनगट, और लाइक फुल आर्मर बनाने के लिए हमें 4 इनगट चाहिए पड़ेंगे। तो फिर हमें कितना चाहिए पड़ेगा? 4 4 16, तो हमें 16 चाहिए पड़ेगा। 16 मिलना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकन ने मुझे बताया कि भाई कैसे करना है। अगर हम लोग स्ट्रेट माइन करते जाएं तो उससे ज़्यादा आसान पड़ता है। तो या आई एम गोना फॉलो दैट ट्रिक एंड लेट्स सी क्या हमें आज कुछ मिलता है कि नहीं। 39 बुक्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो चलो गाइस थोड़ी और बना लेते हैं। मेरे को थोड़े शुगर केन्स मिले थे, सो दिस शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। देयर वी गो, 50 बुक्स। ओके सो 50 काफ़ी होंगी क्या? लेट्स सी, 11 तो भाई हमारे बन गए बुक शेल्स। लेट्स सी भाई, 11 रख के देख लेते हैं पहले हम लोग। और क्या इस पैटर्न में वैसे लाइक ये इंचांटमेंट लाइक काम करनी चाहिए ना, करनी तो चाहिए भाई। ओके तो कोने में रखने का कोई फायदा नहीं है, तो हम लोग इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। ओ माय गॉड, नहीं 3 बुक्स निकलती है ना यार ये करके, लाइक हम लोग शायद उसको तोड़ते हैं तो 3 बुक्स तो निकलती हैं, पर हमें वुड नहीं मिलता, विच इज रियली नॉट अ प्रॉब्लम, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ओके इसको हम लोग तोड़ लेते हैं। देयर वी गो एंड देयर वी गो। एक्चुअली हम लोग इंचांटमेंट टेबल भी रख लें साथ में तो अच्छा रहेगा। 2 डायमंड चाहिए पड़ेंगे, 1 बुक चाहिए पड़ेगी और ऑब्सीडियन चाहिए पड़ेगा। ओके देयर वी गो, हमें ऑब्सीडियन गाइस मिल चुका है एंड दिस शुड बी इट। आई थिंक इतना ही ऑब्सीडियन चाहिए होता है, आई थिंक सो। या दिस इज हाउ यू क्रिएटेड भाई, ऐसी ऐसी रेसिपीज तो यार मेरे को रट रखी है, क्योंकि मैं बहुत पहले माइनक्राफ्ट खेला करता था, तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है ब्रो। ओके लैपिस लजूली वैसे हमको थोड़ी मिली थी एक्चुअली कुछ दिनों पहले, पता है ऐसा दिन था जिस दिन तुम पूरे दिन माइन कर सकते हो, तो हमें काफ़ी सारा लैपिस मिला था। ओके तो 16 तक ही हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे 2 और लगा देते हैं और इससे हमें कितना मिल गया? 20 तक मिल गया। ओके फायर रिस्पेक्ट मिल रहा था वैसे हमें, विच इज़ नॉट बैड। विल दिस बी इट ब्रा? एंड 30। ओके काफ़ी अजीब सा लग रहा है ऐसे, तो मेरे पास एक्स्ट्रा बुक शेल्फ है, इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। एक थोड़ा अजीब सा लग रहा था यार, ओसीडी प्रॉब्लम ब्रो।
इस पे हमें क्या मिल रहा है, एफिशिएंसी 4, ओके, पर ये ब्रोकन होने वाली है तो मैं थोड़ी नई वाली पे लगाऊंगा। तो एक्चुअली मुझे क्या करना है कि एक मेरे को एफिशिएंसी 4 तो चाहिए ही चाहिए, तो मैंने इसलिए इतनी सारी लेवल कलेक्ट किए हैं क्योंकि मैं इन सब पे लगाने वाला हूँ, ये देखो इन सब पे, तो इन सब को यूज़ करके लाइक मैं खोदने वाला हूँ जल्दी जल्दी, और हो सकता है हमें डिब्री ऐसे मिल जाए एफिशिएंसी 4, दैट इज़ व्हाट वी वांट। तो हम लोग ये काम करते हैं, ज़रा निकालते हैं अपना लैपिस लजूली, इसको हम लोग यहाँ पर रखते हैं और भाई देखते हैं क्या क्या मिलता है। एफिशिएंसी 4 अनब्रेकिंग 3, ऑसम, 47 तक हो गया, चलो एफिशिएंसी 4 अनब्रेकिंग 3 नहीं मिल पाया, अरे यार चलो ठीक है कोई बात नहीं, इस पर भी अनब्रेकिंग 3 नहीं मिल पाया फॉर सम रीज़न, ओके वेल फाइन, आई थिंक अभी के लिए इतना ही बहुत है, आई थिंक सो लाइक दिस इज़ इनफ फॉर नाउ। तो हम लोग अभी क्या करते हैं गाइस, हम लोग चलते हैं नेदरराइट लेने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ अभी इंचैंटमेंट्स और लेवल्स, और मेरे पास एक फायर एसेंस पोशन एक और रखा हुआ है, तो अगर बाय चांस कुछ अगर दिक्कत हो गई तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, वी हैव गॉट व्हाट वी नीड। तो चलो हम लोग आई थिंक रेडी हैं यार, एक्चुअली अब टूटने वाली है डायमंड वाली, तो मैं एक काम करता हूँ उसको भी देख ही लेता हूँ मुझे क्या मिल रहा है, सिल्क टच मिल रहा है मुझे, ओके क्यों ना ले लिया जाए सिल्क टच, भाई सिल्क टच भाई काम आता है यार, बहुत ज़्यादा काम आता है, इसको मैं डायमंड लगा के सही कर लूँगा, अब क्या करूँ, सिल्क टच एंड ब्रेकिंग थी, ओके तो एक तो ये हो गया हमारा, एंड एज यू कैन सी मेरे पास एक्चुअली डायमंड थोड़े कम हैं, और चिंता मत करो मैंने थोड़े से एक्चुअली और छोड़ रखे हैं ओवरवर्ल्ड में, क्योंकि मुझे लगा जब फॉर्चून 3 मुझे मिल जाएगा तो मैं लेके आऊँगा। ओके लेट मी जस्ट टेस्ट आउट के कैसा काम करता है, क्योंकि डायमंड का अगर ज़्यादा फास्ट हो, ओ माई गॉड मैं कैचअप भी नहीं कर पा रहा भाई, इतना फास्ट है मैं कैचअप भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो चलो ठीक है मेरे को लगता है ये काफ़ी सही है, इसको ही रखते हैं हम लोग अभी। और हमें कहाँ से लेवल 15 से चालू करने को बोला था एक अन्य, तो हम लोग लेवल 15 से चालू करेंगे, हम लोग को किसी बड़े से लैंड मास पर जाना पड़ेगा, वहाँ से हम लोग चालू करेंगे गाइस। मैं अपनी सिल्क टच भाई यहीं पर छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं लाइक तोड़वानी है सिल्क टच, सो या ओके एंड वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ फूड, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो गाइस आई थिंक हम लोग रेडी हैं जाने के लिए, एंड वी शुड बी ओके, आई थिंक वी शुड बी ओके, लेट्स होप सो। एक्चुअली अगर मैं इस वाली आइलैंड के नीचे जाऊँ अगर, तो शायद से कुछ हो यहाँ पे, देखते हैं गाइस देखते हैं यार, एक्चुअली तो आइलैंड आ जाता है वहाँ पे, हम लोग एक्चुअली जाके देख सकते हैं या सो वहाँ पे कुछ अच्छा होगा, लेट्स सी। यहाँ पे एकन ने ऑलरेडी भाई एक्चुअली ये बना रखा है, तो मे बी इन्होंने यहाँ पे जाके माइनिंग की हो, आई एम नॉट श्योर, बट लेट्स सी। अरे यार सोल स्पीड नहीं पहना क्या मैं अपना, ओ माई गॉड नो यार, सोल स्पीड आई थिंक मैं घर पे छोड़ के आ गया अपना गलती से, नेदर में सोल स्पीड की सख्त ज़रूरत होती है भाई। ओके दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल, ओ माई गॉड भाई छोड़ दे मुझे। ओके तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं लाइक यहीं से खोदने वाला हूँ इस वाले जनरल एरिया से, देखते हैं अगर लावा मिला तो भाई देख लेंगे भाई, थोड़ा पोशन लेके क्लियरिंग कर देंगे लावा की। ओके आई न्यू इट, एक्चुअली मुझे लगा ही था कि लावा तो मिलेगा। ओके मैं कौन सी लेवल पे हूँ, मैं हूँ अभी 18 पे, अरे गाइस क्या बात है, सो आई एम ऑलमोस्ट 15 यार, और ये पहली बार हो रहा है कि बिना लावा को छुए भाई हम लोग 15 में पहुँचने वाले हैं यार, क्या बात है ब्रो। ओके सो वी आर एट 15 ऑफिशियली मैन, तो अब देखते हैं क्या पता हमें भाई मिल जाए बे ही एंशियंट डिब्री, लेट्स होप सो। हमें यहाँ पे थोड़े रिसोर्सेज मिल रहे हैं, पर एक्चुअली पता है क्या, बट यू नो व्हाट आई एम नॉट गोना वेस्ट माय एक्सेस ड्यूरेबिलिटी ऑन थिंग्स लाइक दैट। यार मैं टॉर्च क्यों नहीं लेके आया भाई, अभी ऐसे ही टूट जाता। What? Oh my God, that is easy as hell, bro. Are you kidding me right now? पिछले एपिसोड में हमने कितने बम फड़ा के फोड़े भाई, पर एक भी नहीं मिला, और इस बार देखो गाइस कितनी आसानी से मिल गया। Oh my God, why did I not bring the diamond pickaxe? मुझे पता था जबकि कि diamond pickaxe टूटता ही है। एक मिनट गाइस मैं अभी आया भाई, एंड हेयर वी आर गाइस, मैंने थोड़ा सा ऐसे लाइक लगा दिया था जिससे हमें पता चल जाए कि भाई कहाँ पे है, और थोड़ा देख के एक्चुअली चलना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा टेक्सचर यार इसका जो है ना वो यार थोड़ा डार्क टाइप का है, तो हो सकता है कि हमसे मिस हो जाए, तो थोड़ा देख के चलूँगा गाइस मैं, नहीं तो मैं सीरियसली बता रहा हूँ हो सकता है मिस कर दूँ। ये हिडन इन द डेप्थ्स, यप बॉय ओके तो एक साथ लाइक और भी मिल जाता है क्या कई बार, देख लेता हूँ भाई मैं एक बार आसपास, क्योंकि हो सकता है कि भाई और हो यहाँ पे, लेट्स जस्ट सी। ओके लुक्स लाइक अभी नहीं है, और मैं बहुत ज़्यादा नहीं खोदने वाला हूँ, क्योंकि हो सकता है भाई ऊपर से सीलिंग से लावा टपकने लगे, और वो भाई इससे भी ज़्यादा बुरी चीज़ हो जाएगी। चलो इसको एक्चुअली हम लोग ये कर लेते हैं, चलो लेट्स गो गाइस। ओके तो मैं लाइक पूरा तो तुम्हें नहीं दिखा सकता भाई, ऑफकोर्स हम लोग पर ऐसे सीधे चलते रहते हैं, मैं एक टाइम लैप्स बना। ओ माई गॉड आर यू सीरियस राइट नाउ,
आर यू एक्चुअली सीरियस? दैट इज सुपर डुपर इजी यार, इतनी इजीली हमें कैसे मिल रहा है डिब्री? आर यू एक्चुअली किडिंग मी राइट नाउ मैन? लेवल 15 पे पहुंचो भाई, डिब्री ही डिब्री है भाई। होपफुली मैं बहुत जल्दी ना बोल रहा हूँ ये स्टेटमेंट, नहीं तो भाई क्या पता मेरे को थोड़ी देर बाद डिब्री बिल्कुल भी ना मिले, हैं? ऐसा हो सकता है एक्चुअली, दिस इज क्वाइट पॉसिबल। ओके, तो लुक्स लाइक एक साथ एक ही मिलता है, पर फिर भी मैं भाई गिव अप नहीं करूँगा, मैं थोड़ा बहुत देखता रहूँगा साथ ही साथ में, नहीं तो क्या पता भाई मिस कर दूँ। What? Are you kidding me, man? Oh my God! Oh no 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 no! मेरे को अपने कीबोर्ड से हाथ नहीं हटाने नेदर में। मैं ये क्यों भूल गया भाई? ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है नेदर का। चाहे कुछ भी मिल जाए, नेदर में कीबोर्ड से हाथ नहीं हटाते। Let's see भाई क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। Okay, तो यहाँ से आ रहा है लावा। This should not hurt me. ओह, तो उधर से आ रहा है लावा। Okay, तो इधर अगर मैं लगाऊंगा तो शायद खत्म हो जाए, शायद से। लेट्स सी भाई, थोड़ा सा अजीब सा फ्लो है इस वाले। ओ माई गॉड, नो 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 नो, आई एम गोना टेक दिस। मैं रिस्क नहीं ले रहा, मेरी फट जाती भाई, मैं नहीं लेता रिस्क। आई एम नॉट दैट रिस्की काइंड ऑफ गाय ब्रो। एफ लावा ब्रो। अभी मर जाता भाई मैं आराम से। नेदर में तुम बहुत देर तक बर्न होते हो भाई, और मेरे को लग रहा है कि मैं मर जाता, आसानी से मर जाता भाई मैं। ओके, वेयर इज द डिब्री अगेन? कहाँ से मैं जा रहा था? आई थिंक इधर से मैं आ रहा था। ओके, तो इधर लावा है ना। ओके, लेट मी सी हाउ आई कैन स्टॉप दिस थिंग। ओ माई गॉड, ओके, सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। हाँ, ये देख सकते हो तुम, इसकी वजह से भाई हो रहा है ऐसा। एक्चुअली ये तो एक्सरे मोड की तरह काम कर रहा है भाई, लॉल। हाँ, दिस शुड फिक्स इट फॉर सम टाइम आई गेस। मेरे पास कितनी देर के लिए और है भाई? 1 मिनट 45 सेकेंड और है मेरे पास अभी है तो। ओके, वेल दिस इज़ बैड। लावा भाई आसानी से तुम्हें मिल सकता है भाई ऐसे। ओके, मिल गया ना मुझे। हाँ, आई थिंक मैंने पिकअप वाला साउंड सुना। चलो, ज़्यादा पंगे भाई हम लेना नहीं चाहते हैं इससे, नहीं तो दिक्कत हो जानी है। ओके गाइस, तो दिस इज़ बैड न्यूज़ यार, लाइक लावा इज़ सम बैड न्यूज़ गाइस। हमें थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा, नहीं तो वी कैन बी वेरी वेरी हर्ट। अब तो मेरा भाई वो भी जा चुका है, दिक्कत है भाई। हमारा फायर रेजिस्टेंस पोशन भी गाइस जा चुका है। हमें यार पोशन के लिए कुछ ना कुछ तो जल्दी से करना पड़ेगा यार, मुझे लाइक थोड़ा सा और बनाने पड़ेंगे पोशंस। यार मेरी ऑलरेडी पिकैक्स छूटने वाली है यार, व्हाट द हेल। मुझे लाइक इसको जाके सही करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी दो जो हैं उनमें तो अनब्रेकिंग ही नहीं है। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट टू हैपन सो क्विक मैन, व्हाट द हेल ब्रो। पर चलो ये बात अच्छी है कि हमें एक पिकैक्स वर्थ से लाइक 3 इंशी डिब्री तो ऑलरेडी मिल चुके हैं, पर हमें 16 चाहिए यार। 16 इज एक्चुअली अलॉट मैन। एक्चुअली मैं थोड़ा अगर यार मैं ऐसा कर सकता हूँ लाइक, पर दिक्कत ये है कि एक तो उसमें लावा ज़्यादा निकलेगा और ऊपर से मेरी पिकैक्स ही लग जाएगी। 2x2 का हम लोग कर सकते हैं यार, दैट इज़ अ ऑप्शन। ओह माय गॉड, इससे पिकैक्स कितनी जल्दी ख़राब हो रही है यार, कितनी ही जल्दी ख़राब हो रही पिकैक्स। एक्चुअली मुझे अपना एक एनविल लेके आना पड़ेगा यार। गाइस मैं जाता हूँ, ज़रा एनविल लेके आता हूँ मैं अपनी। एंड हेयर वी आर गाइस, सो मैं एनविल लेके आया हूँ, थोड़ा सा आयन लेके आया हूँ, और यहाँ पे हम लोग छोटा सा कैंप सेटअप कर लेते हैं। इसमें भी एक्चुअली इंचैंटमेंट कॉस्ट लगती है, जो कि यार बात तो थोड़ी ख़राब है, पर अब यार कुछ नहीं कर सकते हम लोग। ओके, वेल नेवर माइंड, लेट्स जस्ट कीप गोइंग मैन। And we have got our 4th ancient debris guys. Let's clear this area. भाई लावा वावा ना हो काश पास में। ancient debris को तो कुछ नहीं होगा, पर मैं भाई toast हो जाऊंगा। So yeah, let's go. तो as we can see, it's not actually that hard यार। Like मुझे लगा कि super duper hard होता होगा भाई, बंदे कैसे कर लेते हैं। Like उनको मिलता कहाँ से भाई ancient debris इतना? ऊपर से भाई इतना use करना पड़ता है भाई एक ingot बनाने के लिए। सो लाइक मेरे को पहले बहुत अजीब लगता था, पर ओके, इट्स नॉट एक्चुअली दैट हार्ड टू फाइंड अगर तुम 15 लेवल पे हो तो। And we have found one more. Oh, yes, okay. तो तुम ढूंढ सकते हो यार एक से ज़्यादा एक साथ। Okay, okay, okay. तो एक से
तीन, ओके भाई साहब, तीन एक साथ, यार क्या बात है। ओके दैट इज लकी, आई विल कॉल दैट लकी, क्या बात है ब्रो। तो हमें तीन तीन गाइस एक साथ मिले, अभी तो एक्चुअली पता नहीं यार, चार चार मे बी क्वेश्चन मार्क, चार चार नहीं इतने ज्यादा शायद भी होंगे, बट ओके गाइस हमें तीन एक साथ मिले यार, जो कि बहुत ही सही बात है। ओके एक एंड आई मीन दो एंड द लास्ट वन, कम टू पापा ब्रो, देयर वी गो। आई डोंट थिंक और होंगे भाई यहाँ पर फिर भी मैं चेक करने वाला हूँ। या आई डोंट थिंक सो, मैं चेक भी ब्लिक छोड़ो यार, ब्लिक फालतू में भाई मेरी पिकैक्स ही खराब होगी। लेट्स जस्ट गो मैन, हमें तीन तीन गाइस मिले, हमारे पास करंटली हो गए हैं सेवन, वी हैव गॉट सेवन मैन विच इज नॉट बैड। And we have got one more guys. मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि मैं और माइन ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि लाइक ऑलरेडी मेरी ये वाली पिकैक्स जाने वाली है और मेरी बाकी जो पिकैक्स हैं उनमें अनब्रेकिंग थ्री नहीं है, सो या दैट इज़ गना बी अ प्रॉब्लम मैन, वी विल सी अबाउट दैट, चलो देखेंगे उसके बारे में। पर हमें थोड़ा बहुत तो भाई मिल ही रहा है, हमें आठ और चाहिए अब, लाइक आठ हमें अभी मिलने में थोड़ा सा टाइम तो लगा, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा पर लाइक 15 मिनट लगे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ओ नो, मैंने तोड़वा दी भाई, मैं एक्चुअली नोटिस नहीं कर रहा था कि भाई कितनी जा चुकी है वो, अब ये वाली हमें यूज़ करनी पड़ेगी, इसमें अनब्रेकिंग नहीं है और वो इतनी जल्दी टूट रही थी, तो भाई इसका तो भाई क्या ही पूछो यार तुम, ये तो बहुत ही जल्दी टूटने वाली है, बहुत ही जल्दी। अब हमें अगर तीन वाला कोई और मिल गया तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरे को पता भी नहीं चला भाई कितनी जल्दी टूट गई यार वो, मैं नोटिस भी नहीं कर रहा था और वो भाई टूट गई। तुम भाई अभी हेल्थ नोटिस करो पिकैक्स की, मैं भाई माइन करता जाता हूँ, ऑलरेडी 25% जा चुकी है, क्या बात है। ओके ऑसम, ऑलमोस्ट 50% जा चुकी है गाइस, क्या बात है ब्रो, क्या बात है, नहीं हो पाएगा भाई, ऐसे नहीं हो पाएगा यार ये। तो हम लोग अभी आठ ही ढूंढ पाए हैं, इससे हम लोग दो पीस बना पाएंगे, बस दो पीस, वेल दैट इज़ नॉट बैड। पर यार मुझे पूरा सेट बनाना था सही बताऊँ तो, और मेरे पास लाइक एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं है, पर मैं काम कर सकता हूँ, मैं लाइक फिर भी ट्राई कर सकता हूँ कि मैं थोड़ी और पिकैक्सेस इंचांट करूँ, ये जो भी हमने सामान अभी कलेक्ट किया है वो सब सिक्योर करते हैं पहले, ओके और फिर उसके बाद भाई थोड़ा और ट्राई करेंगे हम लोग अभी, एंड वी आर बैक। तो यार देखा जाए तो पहले हमारी टर्न के लिए आठ इतना बुरा नहीं भाई, आठ तो अच्छा ही है। तो जहाँ तक मुझे पता है, मैं पहली बार कर रहा हूँ ये, मैंने भाई कभी नहीं किया, तो मैं देखता हूँ भाई क्या होता है। ओके तो इससे हाँ ये बनता है नेदराइट स्क्रैप, और इस स्क्रैप को हम लोग अगर गोल्ड से मिक्स करते हैं तो बनता है नेदराइट इनगट, तो ऐसा मैंने कुछ सुना है, देखते हैं भाई क्या होता है। पहले नेदर रैक को अंदर रख लिए जाए, ओके सो देयर वी गो, लेट्स सी जो मैंने सुना है वो सही है कि नहीं। तो इसको लाइक मैंने देखा है कि लाइक किसी भी पैटर्न में तुम अगर डालोगे, वेट व्हाट, दैट डिड नॉट वर्क, ऐसे ही तो काम करता है ना कि तीन डालना पड़ता है, नहीं ऐसे नहीं काम करता क्या, एक मिनट नेदराइट इनगट तो मैं बना सकता हूँ, चार और चार, तो पहले मैंने क्या गलती कर दी थी भाई, पहले मैंने कुछ गलत कर दिया था क्या, एक बार मैं खुद से ट्राई करके देखता हूँ, मैंने ऐसे डाला था और अच्छा ओके मैंने पाँच डाल दिए थे, नेवर माइंड, देयर वी गो गाइस, हम लोगों ने बना लिया है नेदराइट इनगट। तो हम लोगों ने अभी दो ही बनाए हैं, पर आर्मर एक्चुअली बनाने के लिए हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें बस एक इनगट लगाने भाई डायमंड आर्मर के साथ और हो जाएगा। तो अभी मैं फिलहाल के लिए इसको यहाँ पर रख देता हूँ, क्योंकि हमें दो और चाहिए, एक्चुअली हो सके ना तो यार मुझे थोड़ा और ज़्यादा चाहिए यार, क्योंकि लाइक मैं सोच रहा था कि स्वॉर्ड और पिकैक्स भी बना लूँ भाई नेदराइट की, मैं क्यों नहीं, मुझे 16 चाहिए पड़ेगा। ओके तो 16 भाई कलेक्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट होपफुली भाई हो जाए, लाइक 45-50 मिनट्स आई थिंक लगने चाहिए, बट हो जाएगा भाई एंड ऑफ द डे। ओके बॉयज एंड गर्ल्स वी आर बैक, मुझे थोड़ा बाहर जाना पड़ा था भाई, किसी ने बुला लिया था। तो अभी हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि हम लोग ओवरऑल में आए हुए हैं, और जो मैंने बताया था डायमंड्स बचे हुए हैं तो मैं वो लेके आने वाला हूँ, क्योंकि लाइक मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें इंचांट की, मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे काम किया और हम लोग को थोड़ी लेवल्स मिली हैं, मैंने अभी स्वॉर्ड इंचांट की थी, शार्पनेस 4 हमें इस पर मिल पाया और अनब्रेकिंग 3 मिला, और मैंने एक पिकैक्स पर डायमंड पिकैक्स पर फॉर्चून 3 अनब्रेकिंग 3 लगा लिया है। तो अभी हम लोग भाई डायमंड्स देखने वाले हैं, निकालने वाले थोड़े से, मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख तो रखे हैं, सो होपफुली भाई उसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई साहब इधर ही सारे मॉब्स होने हैं क्या ब्रो, कम ऑन मी एन, खास करके क्रीपर। ओके वेल आई डोंट केयर अबाउट दैट, बिकॉज आई थिंक मेरी ये वाली टनल थी, आई थिंक सो, तो जाके जरा एक बार यहाँ पे देखते हैं, एक्चुअली आई थिंक यही थी, हाँ
ओके तो एक ये केव तो थी गाइस जहाँ पे ये नोड है, पर एक और जगह थी जहाँ की मुझे कोऑर्डिनेट्स एक्चुअली देखने पड़ेंगे, नहीं तो नहीं पता चलेगा। ओके, तीन डायमेंशन में से मिले हमें, क्या बात है क्या बात है। इसमें से कितने मिलेंगे हमें? ओ माय गॉड, तीन डायमंड्स। ओके भाई, आज तो लक चमक रहा है हमारा। ओके, दो हमें आई थिंक उसमें से मिले, एक ओके, चार चार, फिर से चार। ओ माय गॉड ब्रो, एंड थ्री। ओके, 20 डायमंड्स गाइस, इसी से भाई काम एक्चुअली हमारा हो गया यार। यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं जितना पहले था, पर यू नो व्हाट, इट्स स्टिल समथिंग। ओ ओपसी रूपसीज ब्रो, तो इससे हमें दो मिले। ओके, इससे हमें मिले कितने मिले? हमें चार मिले इसे। ओ माई गॉड मैन, और इससे भी हमें चार मिले, और इससे हमें मिले दो। चलो बहुत ही बढ़िया, हमें आई थिंक उतने मिल चुके हैं जितने हमें चाहिए थे, उससे एक्चुअली ज़्यादा ही मिल चुके हैं। एंड वी आर बैक होम गाइस, हमें थोड़ा सा मिशन पे जाना पड़ेगा भाई अब, नेदराइट ढूंढने के लिए वापस से। ओके, तो मुझे एक और चीज़ करनी थी भाई, वो ये थी कि मुझे एफिशिएंसी 4 की पिकैक्स बना के देखनी थी, शायद बन जाए। लेट्स जस्ट होप सो, क्योंकि यार जो आयरन वाली है ना यार, वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी टूट जाती है, लाइक इतने मतलब की नहीं है भाई वो। अनब्रेकिंग 3, तो हो सकता है भाई इसमें हमें मिल जाए। ओ सिल्क टच हमें मिल गया इसमें, पर चलो कोई बात नहीं, एफिशिएंसी 4 तो हमें मिला, दैट्स नॉट बैड एक्चुअली। एंड लेट्स टेक आर एनविल एंड लेट्स कीप गोइंग बॉयज, लेट्स सी इफ यू कैन फाइंड मोर। ओह माय गॉड, यप, वी हैव फाउंड इट गाइस। एक नहीं बल्कि हमें दो मिल चुका है, आई थिंक सो, या हमें दो मिले हैं। मैं वापस जाने में तो भाई सालों लगने वाले हैं, मैंने बहुत बड़ी टनल खो दी यार, मतलब बहुत रास्ते वास्ते बदल के गया हूँ मैं। जैसे मुझे लावा मिलता था मैं टर्न ले लेता था, तो अभी बहुत टाइम लगने वाला है भाई घर जाने में। पर 17 नेदरराइट, सॉरी नेदरराइट बोल रहा हूँ, एंशिएंट डिब्री हमें मिल चुके हैं, और हम लोग भाई फाइनली बना पाएंगे अपना ऑसम आर्मर। ओके, मिलते हैं भाई घर पे। ओके, वी आर बैक होम गाइस, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक दी आर्मर एंड गेट डन विद इट। बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, आज मेरा पूरा दिन एक्चुअली इसी में निकला है। ऐसा लगता है कि भाई ज़्यादा टाइम नहीं लगता एक्चुअली एंशिएंट डिब्री ढूंढने में, पर लगता है यार एक्चुअली काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि तुम्हें फिर टूल्स मैंड करने पड़ते हैं, मेरे को और टूल्स बनाने पड़े, और आधे से ज़्यादा टाइम तो भाई मेरा एक्सपी फार्म में लग गया। बट क्या बोलूँ भाई, मैं थोड़ा शांति मिल रही है मुझे कि फाइनली दिस इज़ ओवर, सो ग्रेट। हमें 12 मिल चुका है, हमें चार और चाहिए बस, एंड देर वी गो। ओके अमेजिंग बॉयज, तो हमारे गोल्ड किधर है वैसे? गोल्ड हमें चाहिए भाई इसके लिए, गोल्ड, देर वी गो। ओके सो चलो गाइस बनाते हैं भाई इसको, एंड देर वी गो, चार नेदरराइट इनगेट ब्रो, चार नेदरराइट इनगेट, ओ माई गॉड मैन। ओके गाइस, लेट्स मेक सम आर्मर। तो हम लोग के पास भाई डायमंड्स काफ़ी पड़े हैं, हम लोग फाइनली भाई अब बना सकते हैं आर्मर अपना, पर सबसे पहले मैं भाई स्वॉर्ड को नेदरराइट करने का ट्राई करूंगा, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि भाई तुम इसको कैसे मिक्स करोगे, तो अच्छा रहेगा कि अगर मैं वही करूँ। ओके दिस इज़ नॉट वर्किंग, बट हमें क्या, ओके वेट, हमें इसमें करना है क्या, या फिर लाइक ओ शिट यार, क्राफ्ट करते टाइम तो नहीं करना था। ओके तो गूगल के हिसाब से हमें स्मिथिंग टेबल बनानी पड़ेगी, स्मिथिंग टेबल मैंने बना नहीं रखी है, और इसकी रेसिपी भी मुझे नहीं पता है, तो ये मेरे को ज़रा देखना पड़ेगा। ओके तो इसकी रेसिपी के लिए हमें चाहिए वुडन प्लैंक्स। ओके लेट्स सी इफ वी हैव सम वुडन प्लैंक्स। ओके आई थिंक अब हो जाएगा, यप देयर वी गो, स्मिथिंग टेबल हम लोग ने बना ली है। इसको हम लोग अभी के लिए कहाँ रखें भाई, यहाँ पर रख लेते हैं आई थिंक, या श्योर वाई नॉट। ओके तो हाँ आई थिंक इसके अंदर ऐसे काम करेगा, तो अगर हम लोग ये रखें और ये रखें, ओके सो देयर वी गो गाइस, नेदरराइट स्वॉर्ड, क्या बात है। ओके तो हमें ऐसे आई थिंक आर्मर का भी करना होगा, तो मैं पूरा आर्मर बना लेता हूँ गाइस, और फिर हम लोग ज़रा देखेंगे। ओके मैंने ये बना लिया कि कैसे हम लोग कर पाते हैं,
लेट्स सी, आई थिंक यही ऑप्शन होना चाहिए, आई थिंक सो. ओके या दैट वर्क्स. ओके गाइस, हम लोग फाइनली भाई नेदराइट आर्मर बना रहे हैं. ओ माई गॉड मैन, द जॉय ऑफ मेकिंग नेदराइट आर्मर. यार ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें तुम्हें एक ही नेदराइट इनगट लगती है. अगर भाई पूरी नेदराइट इनगट्स लगती ना इसको बनाने में तो भाई लग जाती. ओ भाई साहब, ये तो कोई लेजेंडरी वाली भाई अचीवमेंट की भाई आवाज़ आई. यार क्या बात है गाइस, क्या बात है. ओ माई गॉड मैन, ओ भाई साहब, तो पूरा आर्मर यहाँ पे तुम देख सकते हो कवर हो जाता है. आर्मर वाला पूरा स्लॉट भर जाता है. अभी हम लोग इसको कई इंचांट करके भी देखने वाले हैं, इसलिए मेरी लेवल थोड़ी 30 से ऊपर है जिससे मैं करके देख पाऊँ. और मुझे यार एक एक्चुअली वो भी बनाना था, पिकैक्स भी मुझे बना के देखनी थी. और इसको भी हम लोग नेदराइट कर लेते हैं, मज़ा आएगा ब्रो. तो स्मिथिंग टेबल में एक्चुअली पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं था कि इस काम आती है ये. बट या देयर यू गो, हम लोग ने भाई नेदराइट का सामान बना लिया है. ओ माई गॉड मैन, दिस लुक्स ऑसम ब्रो. भाई साहब ब्लैक एकदम. चलो थोड़ा लैपिस लजूली लेते हैं और भाई देखते हैं क्या क्या इंचांटमेंट्स हमें मिल सकती हैं. तो इस पे हमें मिल रहा है स्वीपिंग एज 3, विच इज़ गुड. आई थिंक स्वीपिंग एज 3 ही लाइक बेस्ट होता है स्वीपिंग एज में. ओके दैट इज़ गुड. अनब्रेकिंग 3, इसमें चलो ठीक है, शायद से हमें एफिशिएंसी 4 मिल सकता है, वी हैव नो क्लू. इसमें आर्मर में गाइस देखते हैं अपना क्या मिल सकता है हमें. बूस्ट में प्रोटेक्शन 4 मिल रहा है. ओके प्रोटेक्शन 4, अनब्रेकिंग 3 भी मिल ही जाएगा आई थिंक. ओके सब में प्रोटेक्शन 4 ही मिल रहा है आई थिंक. या ओके, फिलहाल के लिए आई थिंक मैं अपनी नेदरराइट की पिकैक्स कर लूँ क्या. या आई थिंक पिकैक्स करना ज़्यादा सही रहेगा. स्वॉर्ड तो चलो मैं कर लूँगा, अभी मैं फिलहाल के लिए पिकैक्स को करके देख लेता हूँ. अनब्रेकिंग 3, एफिशिएंसी 4, ओके वी कैन इम्प्रूव ऑन दैट. हम लोग इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं. एफिशिएंसी 4 की अगर हमें बुक मिल जाए तो हम लोग इसको और इम्प्रूव कर लेंगे. पर मेरी 30 लेवल अभी भी है, चलो ये बात बहुत सही है. स्माइट 4, ओ माई गॉड मैन. ओ अरे यार चलो ठीक है कोई बात नहीं, लाइक अनब्रेकिंग 3 की बुक मैं ले लूँगा एक एन से, कोई दिक्कत नहीं. तो उस पर अनब्रेकिंग 3 लगा लेंगे हम लोग. पर गाइस देयर वी गो, हमें गाइस मिल चुका है नेदराइट आर्मर. ओ माई गॉड मैन, वी लुक ऑसम एज हेल. मैजिक का आपको हम लोगों ने क्या सजाया है ब्रो. गाइस अगर आज तुम्हें मजा आया तो भाई लाइक मार देना यार, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लग गया, सो अ लाइक वुड बी अप्रिशिएटेड. और अगले एपिसोड में गाइस हम लोग काम करने वाले हैं अपने ब्लेस फार्म पे, और हम लोग थोड़ी सी मदद भाई एक से भी लेने वाले हैं. देखते हैं हम लोग ब्लेस फार्म कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि भाई फ्यूल की ज़रूरत है हमें और ब्लेज रॉड्स की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है. सो वील वर्क ऑन दैट. सो थैंक यू इस वॉचिंग, अगर तुम मजा आ भाई लाइक मार देना, एंड इफ यू आर न्यू मेक श्योर टू सब्सक्राइब. बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम एंड पीस आउट. Thank you.